बहुत सारे ताने सुन रही थी लोगों को, लोग उसको बोल रहे थे झूठी है, तूने कोई शादी नहीं की है, और मेरे लिए वो बियर कर रही थी। बट ये मेरी गेम स्ट्रेटजी थी, मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि लव एंगल ऑलरेडी हाउस में था, और मुझे, मैं थोड़ा सा शर्मिला किस्म का इंसान हूँ, मुझे लव एंगल ओवर कैमरा मेरे लिए डिफिकल्ट था उस टाइम। मेरी जो पहली पत्नी है, आज वो बहती गंगा में हाथ धो रही है, उसको भी लाइक लग रहा है कि कहाँ पति अगर ऊपर जा रहा है तो टांग खींचने के लिए बराबर वो पहुंच गई है। फेक के हिसाब से मैं बोलूंगा रश्मि देसाई, बिकॉज वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फ्लिप होते रहती हैं, तो वो फेक मैं उनको बोल, और वो अपनी सच्चाई छुपाती नहीं है। जहाँ उसने बताया कि लोग मेरे को दरवाजा बंद कर देते थे मेरे लिए, कि तुम मत आओ मेरे पास, काम मत मांगो मुझे, मैं ऑडिशन के लिए जाती थी तो दरवाजा बंद कर देते रहती है, बट वो मैनिपुलेटेड हो जाती है करण से, जो कि दोनों का गेम खराब हो रहा है। हाय रितेश, वेलकम टू टेरी चस्का एंड बिग बॉस के घर में। पिछले सीजन भी बात हो रही थी कि आप एंट्री लेने वाले हो, लेकिन आपने एंट्री नहीं ली, और इस सीजन में राखी के साथ आपने एंट्री ली है, तो उसकी क्या वजह रही? आपने पिछले साल क्यों एंट्री नहीं ली और इस साल एंट्री ली? पिछले साल जब मुझे बुलाया जा रहा था, तो शायद मैं, आई मीन, मैं यहाँ पे नहीं था, एंड लाइक कोविड का भी सिचुएशन था, फ्रीक्वेंट ट्रैवल बहुत बैन थे, एंड इस सीजन में मैंने एंट्री ली क्योंकि मैं इस टाइम राखी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आया था मुंबई में, एंड उसी टाइम 25th को ये लाइक इनको ऑफर मिला था शायद कि आप जाओ, एंड इन्होंने शर्त रखी कि मीन्स बर्थडे गिफ्ट मांगा कि आप मेरे साथ चलो, यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है, और जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि 2 साल से राखी बहुत सारे ताने सुन रही थी लोगों को, लोग उसको बोल रहे थे झूठी है, तूने कोई शादी नहीं की है, और मेरे लिए वो बियर कर रही थी, बट मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए, तो आई मीन मैं सिटी में भी था तो मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, तो जब आप एविक्ट हुए थे तब कहीं ना कहीं राखी इनसिक्योर लग रही थी और थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी कि आप घर से बाहर जा रहे हो, तो राखी की इनसिक्योरिटी की वजह क्या है? क्यों वो आपको लेकर इतना इनसिक्योर है? और वो बार बार ये भी बोल रही थी कि तू भागेगा तो नहीं, तो इस चीज का कारण क्या है? ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये प्यार है, बिकॉज जो जो इंसान जिस चीज को प्यार करता है उसको खोने से डरता है, वो इंसान की फितरत होती है, डेफिनेटली इस व्यू से वो कहीं ना कहीं डर रही थी, बट डेफिनेटली राखी का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार मेरे लिए शो हुआ, और कहीं ना कहीं उसको लगा था कि मैंने इविक कराया और बुरा लग रहा होगा, बट मैं कभी भी, क्योंकि राखी को मैं फेयर देखना पसंद करता, देश की जनता उसको जैसे पसंद करती है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी राखी का फैन रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि राखी फेयर के लिए पसंद है, अच्छा ईमानदारी से खेलती है, तो मुझे वो पसंद था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ये प्यार था, और राखी और मेरा बंधन जो है अटूट है, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं उसके साथ हमेशा हूँ। ओके, सो हाल ही में वीकेंड के वॉर में ये देखा गया कि सलमान खान आपको डांट रहे थे, जिस तरह से राखी के साथ आपका बिहेवियर हमें बाहर दिखा है, ये क्यों आपने राखी से इस तरह से बात की? क्या एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो पब्लिक के साथ आप क्लियर करना चाहते हो, जो भी आप दोनों के बीच हुआ उसको लेकर? ये मेरी गेम स्ट्रेटजी थी, मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि लव एंगल ऑलरेडी हाउस में था, और मुझे, मैं थोड़ा सा शर्मिला किस्म का इंसान हूँ, मुझे लव एंगल ओवर कैमरा मेरे लिए डिफिकल्ट था उस टाइम, डेफिनेटली मीन्स लाइक, और मुझे लगा कि मैं डिफरेंट शो करूंगा, और यहाँ पे 2 ग्रुप थे ऑलरेडी, करण और तेज, आई मीन्स करण और शमिता के, जो कि बहुत सेटल ग्रुप थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं तीसरा एंगल क्रिएट करता हूँ, जैसे मेरी और राखी की लड़ाई, तो शायद कुछ लोग मेरे साथ आए, शायद उसके साथ आए कुछ लोग, और हमारा 2 ग्रुप बनेगा, फिर मैं लास्ट
के वीक में मैं अपना लव एंगल दिखाऊंगा और उसको सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा प्लान था, जो कि मैं राखी को भी शायद कन्विंस नहीं कर पाया इस बात के लिए, क्योंकि राखी को मैं स्ट्रैटेजी अगर समझाता तो कहीं ना कहीं ये बायस हो जाता, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राखी जैसी खेलती है वैसे ही खेलना मैं उसको देना चाहता था, और जनता को भी शायद मैं समझा नहीं पाया, बिकॉज जनता ने पहली बार मुझे एक्सपीरियंस किया था, उनको ये पता नहीं था कि किस टाइप का, क्योंकि पहली बार में कुछ लोग परसेप्शन बना लेते हैं, साथ में मेरे लाइक आउटसाइड जो एलिगेशन और कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई, जिसका इम्पैक्ट लोगों को लगा कि हाँ ये सही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि अगर मेरा बिहेवियर खराब इम्पल्सिव रहता तो सबके साथ रहता, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि मेरी जो जर्नी रही 21 दिन में, सबके साथ कैसा तालमेल रहा है, कैसा अंडरस्टैंडिंग रहा है, क्या क्या मैंने बातें की है, तो लाइक आप उससे जज कर सकते हो, ये मेरी गेम स्ट्रैटेजी थी जो कहीं ना कहीं मेरे लिए फेल हो गई, बिकॉज सही टाइम पे किसी ने उस पे भी आग में घी का काम किया और अपना फायदा उठाने की कोशिश किया और मुझे इविक्ट करा दिया, तो डेफिनेटली मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरे लिए बैड है, इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिलेगा तो इसको करेक्ट करूंगा। तो जैसा कि आपने कहा कि बाहर आप पर कई सारे एलिगेशन लगे हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई है आपकी पहली पत्नी को लेकर, तो उसके ऊपर क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप राखी को धोखा दे रहे थे जब आपकी फर्स्ट वाइफ का वो इंटरव्यू सामने आया था, तो इस पर आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी राखी को धोखा देना रहता तो राखी को सच्चाई थोड़ी बताता मैं, राखी को सच्चाई पता थी, राखी ने लास्ट सीजन में भी बोला है, हालांकि आई मीन्स मेरी जो पहली पत्नी है आज वो बहती गंगा में हाथ धो रही है, उसको भी लाइक लग रहा है कि कहाँ पति अगर ऊपर जा रहा है तो टांग खींचने के लिए बराबर वो पहुंच गई है, हालांकि उसको पति की याद नहीं आई जब जब इतने सालों से वो मेरे पर झूठा केस डाल के बैठी है, अपना वीमेन कार्ड खेल के बराबर बैठी है, मेरे पर हमले करवाए वहां पे भी वो आराम से बैठी है, तो वो पति का कोई फर्ज, क्योंकि कोई भी पत्नी पति का ही को उठाती है ना कि गिराती है, और ये पहली ऐसी लड़की है जो ने जिसने मुझे बर्बाद कर रखा है 2017 से, इनफैक्ट 2014 से ही मुझे बर्बाद कर रखा है, इसने जितने भी पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं, जितने भी मेरे पास झूठे केस किए हैं, जो 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 करवाए हैं, मैं विद प्रूफ सबको जनता को दिखाऊंगा, मैं फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कहीं ना कहीं इससे ये साफ क्लियर हो गया है कि राखी के साथ कुछ धोखा नहीं हुआ है, जिस तरह से आपने इस सवाल का जवाब दिया है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पिछले सीजन में राखी सावंत ने अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात किया था, तब उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी और तब सलमान खान सर ने उनकी मॉम के सारे खर्चे उठाए थे, तो तब आप कहाँ थे लाइक, एंड आपने उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? नहीं मैं जो पहला इंसिडेंट था जिसमें राखी की माँ ने भी बुलाया कि रितेश सारे खर्चे उठा रहा है, वो बात थी, सेकेंड बार उनकी जो सर्जरी हुई उसमें सलमान भाई ने सपोर्ट किया था, लाइक राखी एक काफी खुद्दार लड़की है, उसको कहीं ना कहीं लाइक आई मीन आज भी वो मेरे से कोई, क्योंकि हमारा रिश्ता टोटली प्यार पे है, मैं डेफिनेटली अगर हेल्प करने के लिए भी आगे आता हूँ, राखी खुद का अर्न करना चाहती है, खुद के पैरों पे खड़ा, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली मैं नहीं चाहता हूँ कि राखी या मैं भी उसी मेंटालिटी का हूँ, मैं किसी के बैसाखी के भरोसे नहीं चल सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो राखी के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं राखी ने मुझे ये कहा ना, क्योंकि उसको लगा था कि इसने लास्ट सब खर्चे उठाए हैं, कहीं ना कहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, और शायद उसने मेरे से हेल्प नहीं मांगी, बिकॉज उस टाइम उसने कोई हेल्प मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा ऐसा है, वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है। डेफिनेटली राखी की माँ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनको एज अ मदर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, डेफिनेटली अगर जो भी मेरे मेरे पास रहता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ।
ओके सो बट उन्होंने सलमान खान सर से मदद मांगना ज्यादा जरूरी समझा पर आपसे नहीं, तो ये एक कैसी खुद्दारी है, क्या कहना है आपका इससे? नहीं, सलमान सर से उसने आई मीन लाइक आई डोंट नो किसे उन्होंने कैसे मदद मांगी उसमें मैं नहीं जानता हूँ, बट सलमान खान जिस तरह आई मीन लाइक आप देख भी सकती हो, उन्होंने एज अ सिस्टर उसको माना है और जिस तरीके से एज अ खुद की सिस्टर उसके लिए डांट रहे थे, डेफिनेटली वो उसको फैमिली मेंबर मानते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे वो उसका रिलेशन मेरे से है, सलमान भाई से भी उनका फैमिली टर्म है, वो भी आई मीन उसके घर आई मीन सलमान जी के भी घर के लोग इसको काफी मानते हैं, राखी को ये भी उनको भाई की तरह ट्रीट करती है, तो डेफिनेटली वो रिलेशन है। और शायद इसी वजह से था कि पहली बार उसने मुझसे हेल्प आई मीन उसने मुझे हेल्प नहीं मांगी, मैंने हेल्प दी, डेफिनेटली वो मेरी माँ है वो भी, तो मैंने हेल्प दी। सलमान भाई के से इसने हेल्प मांगी या सलमान भाई ने खुद, क्योंकि सलमान भाई सबके लिए करते हैं तो नो डाउट, क्योंकि सभी को पता है। और मैं बहुत खुश हूं कि लाइक मैं ये नहीं कि हाँ डेफिनेटली सलमान भाई का जो दिल है मैं सब जानता हूँ, वो ऐसे ऐसे जो कैपेबल है उनकी भी मदद करते हैं, तो वो उनका अच्छा नेचर है। आई मीन मैं डेफिनेटली उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ कि किसने किसको हेल्प दी, बट डेफिनेटली उन्होंने कराया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि ये सलमान भाई के लिए न्यू नहीं था, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, और इसीलिए मैं सलमान भाई का हमेशा कायल रहता हूँ कि वो जो लाइक जो हार्ट रखे हैं वो किसी के पास नहीं है। ओके सो इसके अलावा घर में ऐसा कौन सा एक कंटेस्टेंट है जो आपको रियल लगता है, और कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको फेक लगता है? सी कंटेस्टेंट में मुझे राखी का तो पता है, राखी रियल है, एकदम प्योर हार्ट है, एंड प्रतीक भी प्योर हार्ट है, वो भी अच्छा है बंदा। एंड फेक के हिसाब से मैं बोलूंगा रश्मि देसाई, बिकॉज वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फ्लिप होते रहती हैं, तो वो फेक मैं उनको बोलूँ। ओके सो इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपके टॉप 5 फाइनलिस्ट कौन है, कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको आप टॉप 5 में देखते हैं? टॉप 5 में मैं पहला तो राखी को जरूर मानता हूँ, क्योंकि उस जिस तरीके से उसने गेम खेला, बिकॉज उसके उसको सारे घर वाले लाइक करते हैं, आई मीन भले वो उनसे लड़ती है झगड़ती है, उसके बाद जाके वो साथ में चाय पियेंगे, मुझे खुद पता नहीं चलता है कि ये कर क्या रही है, और लाइक बट उसको सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेहनत की है उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो अपनी सच्चाई छुपाती नहीं है। जहाँ उसने बताया कि लोग मेरे को दरवाजा बंद कर देते थे मेरे लिए कि तुम मत आओ मेरे पास, काम मत मांगो मुझे, मैं ऑडिशन के लिए जाती थी तो दरवाजा बंद कर देते थे, लेकिन मैं इतनी स्टबन थी कि मैं बैठी रहती थी, जब तक वो खोलते नहीं थे मुझे काम नहीं देते थे मैं बैठी रहती थी, वो मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था। और सब लोग जानते हैं उसके बारे में, इसीलिए लोग उसको प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। सेकेंड है प्रतीक, वो भी अपनी बातों को रखता है। थर्ड है शमिता, वो भी अपने अपने गेम और ये में स्ट्रेटजी वगैरह ऑनेस्ट रखती है। तेजा एंड करण भी हैं, बिकॉज उनके वोट बैंक अच्छे हैं, एंड डेफिनेटली तेजा जो है ऑनेस्ट रहती है, बट वो मैनिपुलेटेड हो जाती है करण से, जो कि दोनों का गेम खराब हो रहा है। ओके इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी और करण जो है वो बिग बॉस के घर में उनका बॉन्ड हमें काफी अच्छा दिख रहा है, एंड तेजरन के नाम से बाहर काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, तो उन दोनों का जो बॉन्ड है आपको क्या लगता है, क्या वो रियल है या फिर फेक है? सी कोई भी बॉन्ड ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, कोई भी बॉन्ड के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे भी जज करना था, क्योंकि मैंने पहली बार उनको फेक बोला था तो मुझे भी जज करना था, जो कि मैंने किया। जो लाइक स्पेसशिप वाला टास्क था उसमें मैंने किया, मैं देखना चाहता था पूरे ग्रुप को बचाने के लिए कोई भी एक सेक्रीफाइस नहीं कर पाया, इट मीन्स दे डोंट हैव अ ट्रस्ट फैक्टर, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि जो बंदा उसमें सेफ होता वही टिकट टू फिनाले में एक बंदा जाता, जब उनका पूरा ग्रुप बच जाता
और टिकट टू फिनाले में जाते तो शायद उन्हीं में से कोई ये बंदा रहता जिसको वो से कुर्बानी जो कर रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको वो बचा सकते थे इम्यूनिटी पाके। तो डेफिनेटली मुझे वहां पे इनमें ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं लगा, और ना ही जो कि सुपर लाइक करण को लोग बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, वहां पे वो मात खा गया। मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीज को वो सेंस नहीं कर पाए। तो आई मीन ट्रस्ट फैक्टर किसी भी रिश्ते में है, होना चाहिए, तभी वो रिश्ता टिकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये तो वो दुनिया को दिखा, क्योंकि उनमें कोई बलिदान या सैक्रिफाइस की कोई भावना नहीं। ओके सो लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, प्लस राखी अभी बिग बॉस के घर में है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तमाम फैंस को बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपने जो सपोर्ट किया है, जो मुझे प्यार दिया है, मैं एक आम इंसान था, आप लोगों ने मुझे प्यार और मुझे एक आप मेरे फैंस बन रहे हो। मैं बहुत सरप्राइज रहा जब मुझे मैं बिग बॉस से बाहर निकला तो लोग मेरी सेल्फी ले रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एंड डेफिनेटली मैं तमाम फैन से कहूंगा, आप मुझे कोई सेलिब्रिटी ना समझो, मैं एक आम इंसान हूँ, और आपको अगर मुझे प्यार देना है, भाई बन के दो, दोस्त बन के दो, बहन बन के दो, आई एम हैप्पली गोइंग टू एक्सेप्ट। आपका जो प्यार विश्वास है हमेशा बनाए रखें। डेफिनेटली जो एलिगेशन लगे हैं मेरे पे, आप अगर उससे आहत हुए हैं तो जस्ट वेट फॉर इट, मैं सारे चीजों को का पर्दाफाश कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपने जिस बंदे को सराहा है वो बंदा गलत नहीं है। और मैं राखी के लिए बोलूंगा कि राखी के लिए मैंने बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, आज भी उठा रहा हूँ, अभी भी जो चीज है मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ, प्लीज जीत के आना। राखी के लिए यही मैं बोलूंगा, देश की जनता प्लीज आप राखी को जिताएं, जो कि मेरा जितना भी नुकसान हुआ एटलीस्ट रिकवर हो जाए, कि कम से कम मैं जितना कष्ट उठाया हूँ इस ड्यूरेशन, आप मेरी मेंटल स्थिति नहीं समझ सकते हो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब चीज झेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ राखी के भले के लिए, क्यों चाहता हूँ कि राखी जीत के आए। ओके थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें काफी चीजें जानने को मिली, थैंक यू। थैंक्स रिद्धि।